फ्रेंड, एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पपाया स्मूदी, या इसको पपाया शेक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो दिखा देते हैं। ये हमने थोड़े से पपीता लिए हैं, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे एक कप हमने दूध लिया है। स्वाद के अनुसार चीनी ले लेंगे, कम या ज़्यादा जैसी आपको पसंद हो। और ये ऊपर से गार्निश के लिए थोड़े से बादाम और दो इलायची के टुकड़े, और ये हैं कुछ खरबूजे के बीज। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने पपाया लिए हैं इसको डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और आधा इसमें दूध डाल देंगे। बस इसे 2-3 सेकंड के लिए चला के देख लेते हैं, हमारी ये स्मूदी तैयार है। अब इसमें जो दूध बचा था वो भी डाल देते हैं और ये चीनी भी डाल देते हैं। अब इसमें जो हमने इलायची के 2 पीस लिए थे उसे भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो इसे इसी के साथ ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको 2-3 मिनट बस हमारा पपाया शेक रेडी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ और कलर भी अच्छा आया है। इसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। कुछ कटी हुई बादाम डाल देते हैं और ये हमारा पपाया शेक रेडी है। तो फ्रेंड, अगर आपको पपाया शेक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।